जनपद में यूरिया के किल्लत की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि जनपद में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जनपद में यूरिया का एक रैक और प्राप्त हो गया है, जिससे सभी साधन सहकारी केंद्रों की यूरिया पर्याप्त मात्रा में भेजी जा रही है। कोई भी कृषक अपने आधार के साथ जाकर आसानी से यूरिया प्राप्त कर सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि यूरिया के प्रत्येक बोरे पर उसका मूल्य लिखा हुआ है, किसान भाई उसी मूल्य पर यूरिया का खरीद करें और अगर कोई कालाबाजारी करता है तो मेरे यानी जिलाधिकारी के नंबर पर सीधे तौर पर शिकायत कर सकता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। नहीं, ये बिल्कुल गलत सूचना है। देखिए, गोरखपुर में जो यूरिया के लिए खासतौर पर इस समय में टॉप ड्रेसिंग के लिए जो गेहूं का फसल के लिए जरूरत है, जरूरत से ज्यादा हम लोग के पास उपलब्ध है, कहीं जो उर्वरक का कमी नहीं है। ये गलत फहमी है जो बाहर का, इसी की वजह तो किसान लोग भी घबरे हुए हैं। कल हम लोग पूरा जगह हम लोग छापा मार करके जांच भी किए थे, कोई घबरने के बाद में हम लोग प्री पोजिशनिंग और स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा है। मैं किसान को आपके चैनल के जरिए से मैं सूचना देना चाहता हूँ, जो बोरा में जो रेट लिखा हुआ होता है उसी रेट पर दे दें, ताकि ये दो टाइप का बोरा चलता है, 45 किलो का और 50 किलो का चलता है। 45 किलो का बोरा में तो पुराने रेट है 299 रुपया लिखा रहता है, और जो 50 किलो वाले बोरा है उसी का तो 330 रुपया है। अभी उसको भी रेट घटाने के लिए भी बात चल रही है, बट इस पर 2-3 स्टॉक अलग अलग रेट वेरी कर सकता है, बट जो बोरा में लिखा हुआ रेट उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। और किसी को भी दिक्कत है तो तुरंत हमें संपर्क करें, हमारा कृषि अधिकारी इसके लिए तैयार है, सारे SDM ADM ये मशीनरी पूरा आपके लिए तैयार है, कहीं भी कोई किल्लत नहीं, कोई कहीं भी कोई शॉर्टेज नहीं है। 7 लोग ऐसे किए हैं, उन लोग को सील भी किए हैं, 2 लोगों के ऊपर FIR भी कर दिए हम लोग। साधन सहकारी समितियां जो है सर, वहां पे ताला लगा हुआ है, कल 4 जगहों पे मैंने भी भेजा था टीम अपनी, जी 4 जगहों पे ताला मिला और यूरिया वहां नहीं मिल रहा। कल तो 3 सर सेंटर में नहीं है, आज देवरिया से पहुंचाया गया है, आप आज पता कर लीजिएगा। ₹400 कृपया करके हमें तुरंत सूचित करा दीजिएगा, ताकि कल भी 7 जगह हम लोग सील किए, पेपर में पड़े होंगे, आप लोग कहाँ कहाँ ज्यादा लेते हैं उसको तो ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि ये उसको गलत फहमी बता करके बहुत लोग स्टॉकिंग करने भी लगे हैं उसको, अब उसको भी निकलवा रहे हैं। कोई जो स्टॉकिस्ट है, यदि मान लीजिए किसके पास लाइसेंस नहीं है और कई बड़ा किसान है वो भी तो स्टॉकिंग करा रहा, तो उसको भी हम निकलवाएंगे, ऐसे कर नहीं सकते। 2000 टन जी जी 2000 मैट्रिक टन यूरिया की रैक के गिरे देवरिया और कुशीनगर से भी सप्लाई हम लोग मंगा रहे हैं।